उसमें हम लगे हुए प्रयास कर रहे हैं जी। जिस प्रकार से खिलाड़ी बैठे हैं तो वहाँ पर आज जो ब्रजभूषण शरण है उन्होंने कहा है कि कुछ खिलाड़ी जो है वही आरोप लगा रहे हैं और वो जो एक अखाड़े से हैं और उनका संरक्षक दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो सोचते हैं कि झूठ बोल के अगर अपने गुनाहों पे पर्दा डाल देंगे, वो झूठ बोल के, कोई भी झूठ बोल के, और वो हम अपनी बेटी के साथ नहीं खड़े होंगे तो गलत फहमी में रेसलिंग फेडरेशन में पहले बोल रही थी, रेसलिंग फेडरेशन की राजनीति और किसी पद से मेरा कोई इरादा नहीं है, ना कोई इच्छा है, पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त तो ये जो मैंने पहले भी बात की जी जी, लेकिन वो कभी किसी उद्योगपति का हाथ बताते, कभी वो कांग्रेस का हाथ बताते, कभी विपक्ष का हाथ बताते हैं, कभी जीजा साड़ी गैंग इनको बताते हैं जी, कभी बताते हैं कि ये खिलाड़ी इसलिए बैठे हैं इनको कहते हैं ट्रायल नहीं देने हैं जी, कभी मेरा नाम ले देते हैं, कभी किसी का नाम ले देते हैं जी। तो वो एक तो बात बताएं कि कौन सी बात सत्य है, उन्होंने 9-10 बातें बता दी है, वो कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, 9-10 बता दी ना उन्होंने राजनीति को, 9-10 बता दी जी। कभी कह रहे हैं इन खिलाड़ियों को ट्रायल नहीं देना इसीलिए बैठे हैं, कभी बता रहे हैं। तो ये जो है ऐसे घिनौने अपराध, 40 से ज़्यादा मुकदमे, हर धारा में उन पर मुकदमे लगे हुए, खुद बाहुबली खुद कह रहे हैं मैंने एक आदमी का मर्डर किया, ऐसे व्यक्ति जिन पे 8-8 देश के ऐसे नामी खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल लेके आए हों, उन्होंने अपना सारा जीवन की प्रतिष्ठा दांव पे लगाकर उन पे ऐसे संगीन आरोप लगाए हों, तो आज ऐसे आरोपी व्यक्ति को झूठ बोलने की बजाय उनको जो है सत्य का सामना करना चाहिए और दिल्ली पुलिस न्याय करे।